तो यहाँ पे मैं इस मुर्गी को इधर छोड़ता हूँ, और अभी तो इससे इधर भी नहीं जाना है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मुझ पर छल ना आ जाए यहाँ वापस किसी का। चल इधर, चल इधर इधर। अब यहाँ से पलट नहीं पा रहा है, नहीं बारीक हो गया ये पीछे तो उल्टे जा रहा है, पलट पलट। अरे यार इसको पलटने में दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे पत्थर भी आ रखे हैं, उनको भी ऊपर करता हूँ, बहुत भारी हो रहे पत्थर, मेरे पैर पर चोट लग गई। माय गॉड, ये वाला पत्थर आया मेरे पैर पे। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू कुशे व्लॉग में। आज सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे तो मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मेरी व्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है, तो अभी तो यहाँ से धूप जा चुकी है और पीछे वाली पहाड़ी पर रह गई धूप। तो हमारे मुर्गे फॉर्म में जल्दी धूप चली जाते हैं, और जहाँ पे हमारे घर है यहाँ पे थोड़ी लेट में जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे एक चीज़ को दिखाता मैं आपको, जो कि हमारे मुर्गे फॉर्म में पता नहीं कहाँ से आया है, तो अभी मिलाता हूँ आपको इस चीज़ से। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मुर्गे का चूजा आ रखा है, और ये चूजा आया है ऊपर से, और मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आ रखा है चूजा पहले, तो फिर मैंने इसके सर भी देखा, इस पर पिटाई लगी हुई थी, फिर मैंने सोचा ये इस पर ज़रूर कुछ तंत्र मंत्र कर रखे मुर्गे पे, और किसी ने छोड़ कर यहाँ पर। फिर मुझे पता चला ऊपर छल पूछ रखा है किसी का, क्योंकि पहाड़ में इस महीने बहुत छल पूछते हैं, जिसपे भी मतलब छल छल रहता है तो उसको पूछते हैं, और मुर्गे के ऐसे चूजे में और बड़े मुर्गों में पूछते हैं, और आजकल ही होते हैं इनमें भी कमाई। और ये ऊपर में मतलब मेरे मुर्गे फार्म के बगल में है ऊपर, तो यहाँ पे आ रखे थे नीचे सड़क में, हमारी वाली सड़क में, और शाम को मैं आवाज़ सुन रहा था, मैंने समझा कि जंगली मुर्गे आ रखे यहाँ पे, और मैं क्या तब तक चूजा। फिर इसके बाद ये यहीं पर घूम रहा है, हम इसको अंदर भी नहीं रख रहे, क्योंकि छल वाले मुर्गों को अंदर नहीं डालते, नहीं पकड़ते हैं, तो इसीलिए भारी पे रहता है ना, इसको कुछ खा रहा है। और वैसे मेरे मुर्गों को तो चील बांस खा लेते हैं, बिल्ली सियार, पर इसको कुछ भी नहीं खा रहा है बाहर, इसको लगभग 4 दिन हो गए इसको बाहर, फिर भी इसे कुछ नहीं खा रहा। और मैं उसको ऊपर भेज रहा हूँ, फिर नीचे आ जा रहा है और मेरे पीछे आ रहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और अभी यहाँ पर पानी पी रहा है। और अभी इस चूजे का कीमत हो कि मतलब 300 या 350 का जाएगा चूजा, अगर कोई ले के जाएगा तो। और जो बड़े मुर्गे हैं इनकी कीमत 1500 से 1800 के बीच में। तो देखिए ये चूजा अभी मेरे पीछे आएगा जहाँ मैं जाऊँगा, देखता मैं इधर के लिए आ रहा हूँ, तो ये अभी इधर आएगा, अभी पानी पी रहा है यहाँ पर, और अभी दौड़ता हुआ आएगा इधर, अभी नहीं आ रहा है, वरना जहाँ हम मैं जा रहा हूँ वहीं आ रहा है पीछे पीछे। तो इसको मैं फिर से वहीं पर छोड़ के आता हूँ जहाँ पर छल पूछ रखा है, और आपको दिखाते कि छल कहाँ पर पूछ रखा है। देखिए दोस्तों अब आ रहा है मेरे पीछे पीछे, और जहाँ मैं जाऊँगा वहीं आएगा ये, और इसको मैं और छोड़ के आता हूँ ऊपर। तो वैसे जब छल पूछते तो 3 दिन तक कोई ना इस चूजे को पकड़ता है, ना कोई इस इलाके में जाता है जहाँ पे छल पूछते, पर 4 दिन हो गए, तो आज मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर। और अभी ये चूजा भी रख के आता हूँ मैं यहाँ पर, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको यहाँ पे रखने का, क्योंकि मैंने कितनी बार रख दिया, और ये फिर से नीचे आ जा रहा है। तो जो आपको आके पेड़ दिखाई दे रहे घने पेड़, तो इन्हीं पेड़ों के पीछे एक गदेरा है छोटा सा, तो इसी गदेरे में छल पूछ रखा है। तो जो आपके पत्तल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और छल में एक खाडू भी जाई होता है पूछने के लिए, तो इसी खाडू को खा रखा है यहाँ पे इंसानों ने, जो भी ये छल पूछने के लिए आए थे यहाँ इनके साथ। और छल इधर की तरफ पूछा था, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको लाल पीली हरी थैले दिखाई देंगे वहीं पर छल पूछा था। तो यहाँ तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जाना मना है। और ये देखिए यहीं पे पूजा हुआ था छल, और यहाँ पे भी तंत्र मंत्र कर रखे हैं, और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही ये लकड़ी सा, तो इससे उधर नहीं जाना है अभी यहाँ पे मतलब बंधन कर रखा है, कोई नहीं जाएगा इससे इधर। तो यहाँ पे मैं इस मुर्गे को इधर छोड़ता हूँ, और अभी तो इससे इधर भी नहीं जाना है, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मुझ पर छल ना आ जाए यहाँ वापस किसी का। चल इधर, चल इधर इधर, अब मत आना पीछे ठीक है। अरे 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 देखो यार, इंसानों के पीछे आने लगे, मुझे भागते हुए जाना पड़ेगा। हमें यहाँ से फटाफट दोस्तों, मैं ऊपर कमरे में बैठा हुआ था, और बाहर ये चूजा फिर से आ चुका है, और ये आवाज़ कर रहा था ची 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 का, तो मैं बाहर देखा तो फिर से आ चुका है यहीं पे। और इस चूजे का करें भी क्या, क्योंकि हम उसको अंदर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका उल्टा असर हम पे हो सकता है, या जिसका छल पूछ रखा है इसका छल खराब भी हो सकता है। तो
तो ऐसी चीज़ों को हम अंदर भी नहीं रख सकते, ये बाहर पे घूमता रहता है। और रात को यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ये टीन दिखाई दे रही ऊपर से, तो इसी के नीचे रहता है रात को। और जो पहाड़ से होगा उन्हें तो पता ही होगा कि छल कैसा लगता है और क्या क्या विधि विधान होते हैं छल पूजने में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं रोज इन जालियों को ठीक करता हूँ और ये फिर से तोड़ देते हैं। क्यों क्यों कहने नहीं मानेगा, कहना है उल्टा काम ही ले कहे थे ले कह ले। और ये काल वाला बैल देखो कहाँ जा रखा है, और यहाँ से जाली टूट गए, मुझे जरूर इसके हरकतें ऐसी लग रही है। चल कहे थे, चल कहे थे, चला भीतर। अरे कहे थे, अरे वे ये चल कह, अरे कह ले, अरे चल। यहाँ से पलट नहीं पा रहा है ना, ये बारीक हो गया ये पीछे तो उल्टे जा रहा है, पलट पलट। अरे यार इसको पलटने में दिक्कत आ रही है, तो उल्टे उल्टे जा रहा है। चल 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 है, क्यों आ रहा फिर यहाँ पीछे, जब पलट नहीं पाएगा, इतना मोटा हो गया खा खा के। अरे अरे कहाँ दौड़ दो, पानी पियो पानी पियो, चलो पानी पियो, पानी रखा यहाँ पे, पानी पी नहीं पी रो ना, चलो फिर अंदर। इनका कोई भरोसा नहीं दोस्तों का, उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं। चलो अंदर चलो। चल चल, और इसको देखो इस बाण को, ये भी यहीं पे घूम रहा है। चला 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 चला, तो यहाँ पे मौसम भी गड़बड़ होने लगे और आसमान में बादल आ चुके हैं और यहाँ पे बारिश आ सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो ये वाला गौशाला है तो इसके पीछे साफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिट्टी है और पानी अंदर जा सकता है। और वैसे भी बहुत पुराना गौशाला है तो यहाँ तो पानी जाते ही जाते हैं अंदर, अगर सफाई ना की होगी यहाँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मिट्टी है और कूड़ा भी है। तो गौशाला के पीछे साफ करने से पहले मैं इसको ठीक करता हूँ, क्योंकि ढेरा हो रहा है इस पे। तो इसके लिए मैं एक बनाता हूँ लकड़ी का चापर, जिसे हम चापर कहते हैं। तो इसको इस पे टाइट कर दूंगा मैं। तो अब ये यहाँ पर टाइट हो गया, तो अब करता हूँ मिट्टी फटाफट साफ। और यहाँ पे पत्थर भी आ रखे हैं, इनको भी ऊपर करता हूँ, बहुत भारी हो रहे पत्थर। एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे भी है, इसको भी मेरे पैर पे चोट ले गई। माय गॉड, ये वाला पत्थर आया मेरे पैर पे भाई, खतरनाक लगी यहाँ पे, हड्डी पे लगी हेड़ पे। तो दोस्तों यहाँ पे रात होने लगी, तो मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ मिलता है मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।